कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ, तू सुना? तू तो कभी याद ही नहीं करती है मुझे। पता है तुझे, मेरे हस्बैंड ने मुझे 1 लाख रुपए का नेकलेस लेके दिया। 1 लाख रुपए का नेकलेस? हाँ, और तू जानती है अभी वो हमें बैंकॉक लेकर जा रहे हैं छुट्टियों पे। अच्छा चल ठीक है, अभी मैं रखती हूँ, बाद में फोन करूंगी तुझे, ठीक है? मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, मैं भी उससे बाद में बात कर लूंगी। सबके पति कितने अच्छे होते हैं, अपनी वाइफ को कितने सारे गिफ्ट्स देते हैं, और एक मेरा पति है कंजूस एकदम। मेरी तो किस्मत ही खराब है। साल की जॉब, और पता तो करती हूँ पर ट्राई करना तो बनता है। हेलो जी, मैं गुंजन बोल रही हूँ, मैंने वो आपका मैसेज देखा। क्या? ओके ओके, वो हमारी कंपनी में से आया होगा। जी वो जॉब के लिए मैं अप्लाई करना चाहती हूँ, बट इस जॉब में एग्जैक्टली करना क्या होगा? जॉब मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप पहले एक काम करो, अपनी फोटो भेज दो। फोटो क्यों? आपने पढ़ा नहीं हम सिर्फ खूबसूरत औरतों को ही काम देते हैं? वैसे आपकी आवाज से लग रहा है आप खूबसूरत तो बहुत होगी, जल्दी से अपना फोटो भेज दो। ठीक है, भेजती हूँ। ₹50,000? ₹50,000 मिल गए तो मुझे सुनील के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने लिए न्यू ड्रेसेस खरीद सकती हूँ, न्यू ज्वेलरी ले सकती हूँ, और अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी भी जा सकती हूँ। मौका अच्छा है, क्या करूँ? मुझे जॉब कर ही लेनी चाहिए। हाँ कर लेती हूँ। हेलो, मैंने कहा था ना बहुत खूबसूरत होगी। थैंक यू, लेकिन इस जॉब में मुझे करना क्या होगा थोड़ा तो बताइए। जॉब के बारे में मैं आपको मिलकर बताता हूँ, आप अपने घर का एड्रेस बताएंगे? घर का एड्रेस? देखिए डोंट वरी, आप घबराइए मत। ओके ठीक है, भेजती हूँ। ओके थैंक यू। जी बताइए, किस टाइप की जॉब प्रोवाइड करते हैं आप? जी हम अपने रिच क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्विस? कैसी सर्विस? देखिए हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं सब बहुत रिच हैं। जो लोग अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं है या जिनकी शादी नहीं हुई उनको खूबसूरत औरतों से मिला। मैं कुछ समझी नहीं,
देखिए मैं एक ब्रोकर और मेरा काम है खूबसूरत औरतों को मर्दों से हटाने का। बस आपको उनके साथ सुना जिसके आपको ढेर सारे पैसे। मुझे लगता है आप गलत घर में आ गए। मैं ये सब काम नहीं करती हूँ। कोई भी मर्द यूं फिसल जाएगा। अब तक एक ही आदमी के पीछे लगी रहूंगी जो आपका ख्याल भी नहीं रखता। देखिए मैं एक रिस्पेक्टेड फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं ये सब नहीं करूंगी। मेरे साथ जितनी लेडीज जुड़ी सब बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं और ये काम बिल्कुल सेफ है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। पर मैंने ये सब कभी नहीं किया। तो घबराओ मत, स्टार्टिंग में दिक्कत होती है लेकिन फिर धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाओगे। और सबसे बड़ी बात, इसमें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। देखो अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन है तो मेरे साथ भी ट्राई कर सकती हो। अरे बाबा इसकी मैं प्रॉपर कीमत दूंगा, सोच लो, सुनहरा मौका है। देखिए आप इसे चले जाइए, जस्ट लीव नाउ। ठीक है जाता हूं, मेरा ऑफर अभी आपके लिए खुला हुआ है। एक मेरे पास रिच क्लाइंट है जो 50,000 देने को तैयार है, जिसमें 40 आपके 10 में है। आप मेरे चले जाइए। गुंजन लास्ट वीक ही मैंने तुम्हें 7,000 की ड्रेस दिलाई थी और इसका प्राइस देखा है तुमने 10,000 रुपए, राइट? बस आपको उनके साथ सोना होगा जिसके आपको ढेर सारे पैसे। पैसे ना पेड़ पे नहीं उगते, तुम्हें तो मालूम है ना गुंजन कि मैं कितनी मेहनत से पैसे कमाता हूं। जो 50,000 देने को तैयार है जिसमें 40 आपके 10। मुझे पता था तुम्हारा फोन जरूर आएगा। मुझे कहाँ आना होगा? मैं तुम्हें एक एड्रेस भेजता हूँ, तुम मुझे वहां मिलो। यही चाहिए यार। कैसी लगी तस्वीर? एकदम मस्त। कहाँ रह गई, बहुत देर लगा दी यार तूने। उला टुला देखो यार, अच्छी चीज आने में वक्त तो लगता है।
क्या हुआ? कुछ नहीं बस, थोड़ा सा चक्कर आ गया। ठीक हो तुम? मैं ठीक हूँ सुनील, तुम ऑफिस जाओ। मुझे तुम्हें लगता कि तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर मैं कहीं जा सकता हूँ? मैं ठीक हूँ, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। वो बस ऐसे ही तुम आराम से ऑफिस चले जाओ। गुंजन के बिजनेस की वजह से मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हारी तबीयत खराब है और मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ कर चला जाऊँ। आना चाहिए आज पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ बताऊँगा। नो वर्क, तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे बिजनेस पे कराता हूँ। सुनील कितना अच्छा है, मेरा कितना ख्याल रखता है, कितना प्यार करता है मुझसे, और मैं क्या कर रही हूं? मैं गलत कर रही हूं। मैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? हेलो हेलो, हाँ गुंजन, क्या कर रही हो? कुछ नहीं बस, घर पे हूँ। अच्छा सुनो ना, वो जिस क्लाइंट के साथ तुम पहले मिली थी उसका कॉल आया था, वो तुम्हें दोबारा बुला रहा है, डबल पेमेंट। देखिए मैं अब ये काम और नहीं कर सकती हूँ। फटाफट आ जाओ। मैंने कहा ना आपसे कि मैं अभी ये सब नहीं करना चाहती हूँ। आगे से मुझे कॉल मत करना, ठीक है? अपनी मर्जी से, लेकिन जाते मेरी मर्जी से। कहना नहीं चाहते हो तुम? मुझे तुम्हारे पति को बताने में एक मिनट नहीं लगेगा, इसलिए फटाफट आ जाओ। ठीक है मैं आ रही, लेकिन ये लास्ट टाइम होगा। हाँ हाँ ठीक है, आओ तो। आ गए आप?
कितना इंतजार कराया आपने। आपका जाम रेडी है। मैंने की। जाम से ज्यादा तो आप में नशा है। उस टाइम भेजा जब तुम्हारे पति घर पे नहीं थे। मैं चाहता तो ये उसे भी भेज सकता। चाहते क्या तुम उससे? मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ जो भी एड्रेस मैं तुम्हें भेजता हूँ तुम वहाँ पहुँच जाओ। और हाँ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। कैसे देता तुम्हें सिर्फ
प्यार करते हो, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया। पता नहीं क्यों मैं पैसों के लालच में आके इतनी घटिया हरकत करती। मैं बहुत ही घटिया औरत हूँ, सुनील मुझे माफ कर दो। तुम्हें याद है उस दिन हमारे पैसों के लिए लड़ाई हुई थी? क्या कह रही हो? मैंने पैसे के लालच में आके बहुत ही गंदे दलदल में अपने आप को फंसा लिया, लेकिन तुम्हारा प्यार ही था जो मुझे उस दलदल से बाहर खींच लाया। सुनील आई रियली लव यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मुझे माफ कर। मैंने जो भी किया मुझे इसके लिए प्लीज माफ कर दो। मेरी गिरी हरकत के लिए तो मुझे माफ कर दो। अगर आप मुझे माफ नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, मेरी जैसी औरत यही डिजर्व करती है। कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैंने तो धोखा दिया आपको। Thank you.